सभी को जय मसीह की। मैं अपनी तरफ से और अपने आदरणीय पादरी साहब पादरी प्रकाश कुमार की तरफ से आप सभी को ईस्टर की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। परमेश्वर मसीह का ये पुनरुत्थान दिवस, ये ईस्टर का दिन हम सब के लिए बहुत ही आशीष का दिन हो। हम सबके जीवन में, हमारे परिवार में, परिवार के हर एक सदस्य के जीवन में प्रभु की उपस्थिति बनी रहे, उसकी आशीष बनी रहे। और ये हम सब के लिए ये त्यौहार ईस्टर का पर्व एक आशीष का पर्व होने वाला हो सके। एक बहुत ही सुंदर भजन इस समय के लिए मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और आप सब समझ जाएंगे कि ये भजन मैंने क्यों पढ़ा है। साम 84 यदि आप मेरे साथ निकालें, आज की जो परिस्थिति हम देख रहे हैं उसके हिसाब से ये बहुत अच्छा ये भजन है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। मेरा प्राण यहोवा की आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैयों ने अपना बसेरा और शुभा बेनी ने घोंसला बना लिया है जिसमें वह अपने बच्चे रखें। क्या ही धन्य है वो जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिसको सय्योन की सड़क की सुधी रहती है। वे रोने की तराई में जाते हुए उसके स्रोतों का स्थान बनाते हैं और फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। वे बल पर बल पाते जाते, उनमें से हर एक जन सय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन। हे यकूब के परमेश्वर कान लगा। हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल दृष्टि कर और अपने अभिषिक्त का मुख देख, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है। दूसरों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के हजार दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। इस भजन में यदि हम देखें तो एक बड़ा दर्द इसमें छलकता है, और दर्द इसे छलकता है कि भजनकार कहता है कि मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते ईश्वर को पुकार रहे हैं। कहीं ना कहीं एक दर्द छिपा है। भजनकार शायद परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा है, इच्छा तो है लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा है। प्रियो, आज हमारे देश की, पूरे संसार की जो परिस्थिति बन रही है कोरोना वायरस की वजह से, शटडाउन किया हुआ है, तमाम चर्चिस के दरवाजे बंद हो गए हैं। मैं खासतौर से उन भाई और बहनों से बातचीत करना चाहूंगा जो बहुत ज्यादा परमेश्वर के भवन को अहमियत नहीं देते हैं, समय रहते हुए भी जो परमेश्वर के भवन में नहीं आते हैं, निरंतर आराधनाओं में नहीं आते हैं, केवल कुछ चुनिंदा अवसरों पर वो परमेश्वर के भवन में आते हैं, परमेश्वर के भवन के प्रति उदासीन हैं। प्रियो, ये समय हमें से हरेक के लिए आंख खोलने वाला है। मैं जब घर पे होता हूं और याद करता हूं कि जिस दिन मुझे परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, आज मुझे परमेश्वर के भवन में होना चाहिए, लेकिन परिस्थितियां विपरीत बन गई हैं,
चाहते हुए भी परमेश्वर के भवन में हम नहीं आ पा रहे हैं, तो वो लोग जिनके पास पूरे साल अवसर होता है, ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें परमेश्वर के भवन में आने से रोक देती है? प्रियो, परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करने का क्या महत्व है। भजनकार परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहा है तो वो कहता है, तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मैं मूर्छित हो चला हूं। प्रियो, सोचने की बात है, समझें, समय बहुत कम है, प्रभु मसीह का आगमन बहुत निकट है। आइए उससे पहले अपने आप को तैयार करें। ये समय बीत जाएगा, संकट का समय है, खत्म हो जाएगा। परमेश्वर हम सबको सलामत रखे, इस प्रकोप से बचाए, सुरक्षित रखे। परमेश्वर अपने वायदों में सच्चा परमेश्वर है, अपने वायदे में वो खरा उतरेगा, हमें से हरेक की जान की वो हिफाजत करेगा। लेकिन जब ये पीरियड खत्म हो जाएगा, जब ये लॉकडाउन पीरियड खत्म हो जाएगा, तब हमारा क्या व्यवहार होगा, ये सोचने का विषय है। क्या तब भी हम परमेश्वर के भवन के प्रति उदासीन रहेंगे? नहीं मेरे मित्रों, आज इस ईस्टर के पावन अवसर पर, पवित्र दिन में, अपने सामने, अपने मन में, अपने परमेश्वर से प्रतिज्ञा करें एकांत में, प्रभु जी मैं भूल आगे से नहीं करूंगा ऐसी, मैं निरंतर तेरे भवन में जाऊंगा तेरी आराधना करने के लिए और तेरी आशीष को प्राप्त करूंगा। पारिवारिक रूप में हम जाएंगे, परिवार का कोई सदस्य घर पे नहीं रुकेगा, हम सब नियमित रूप से तेरे भवन में जाकर तेरी आराधना करेंगे। और यदि हम ऐसा प्रण आज करते हैं, स्वर्ग में से हमारा परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, सुन लेगा और हमको मौका देगा कि फिर से हम उससे भवन जुड़ जाए। मेरे मित्रों, ये समय बहुत नाजुक है, लगातार प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर पूरे संसार से, हमारे देश से इस प्रकोप को खत्म कर दे, ये COVID-19 का प्रकोप खत्म होने वाला हो सके, हमारे पास फिर आनंद का समय हो, धन्यवाद देने का समय हो, परमेश्वर को धन्यवाद देने का समय हो, और हम एक साथ जुड़कर परमेश्वर के भवन में आकर परमेश्वर का जय जयकार करें और उसकी आराधना करें। आइए अपने सरों को परमेश्वर के सामने हम इस समय झुकाएंगे, अपनी आराधना को शुरू करें। हमारे महान सामर्थ्य और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने संसार में हम जैसे पापियों के लिए भेज दिया ताकि हमारा उद्धार हो सके। हम जानते पिता हमेशा कि ये तेरी ही योजना थी कि तूने अपने इकलौते बेटे को इस संसार में भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। पिता हमेशा हम जानते हैं कि जब हम पापी ही थे, तेरे बेटे ने अपने प्राणों का बलिदान हमको दे, हमारे लिए दे दिया ताकि हम हमेशा की मौत से बचकर, मृत्यु से बचकर अनंत जीवन के वारिस बन सकें, तेरे राज्य में प्रवेश होने के योग्य बन सकें, तेरी संतान के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकें। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर तेरे इस अद्भुत प्रेम के लिए। तो हमारे अविश्वासी होने के बावजूद भी विश्वासियों के बना रहने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तू स्वयं अपना इंकार नहीं कर सकता। तूने बड़ी दया संपूर्ण मनुष्य जाति पर करी है, हम पर की है, हमारी कलीसिया पे की है, कलीसिया के तमाम परिवारों पर की है, कलीसिया जुड़े हर एक व्यक्ति पर की है। हम तेरा धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस मुबारक दिन के लिए, इस धन्य दिन के लिए जो पिता परमेश्वर हमें इस बात को याद दिलाता है कि वो आज ही का दिन था जबकि तेरे बेटे ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और अपने लोगों के बीच से मृत्यु के भय को सदा के लिए निकाल दिया। हम जानते पिता परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार जो पिता परमेश्वर तुझे अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, जो तुझ पर विश्वास रखते हैं, वो मर भी जाए तो भी जीवित रहते हैं, और जो जीवित रहते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, क्योंकि ये तेरा वायदा है। तेरा बेटा पिता परमेश्वर मृत्यु पे विजयी हुआ है, मृत्यु को उसने पराजित किया है, तो पिता परमेश्वर तू हमें भी मृत्यु के बंधनों से आजाद कर सकता है। पिता परमेश्वर होने दे कि तेरे इस दिन के महत्व को हम समझ सकें, इस पुनरुत्थान दिवस के महत्व को समझ सकें, और इस समय जबकि पिता परमेश्वर हमें तेरे भवन में होना चाहिए था, हम नहीं जानते पिता परमेश्वर कि हमारे कौन से पापों के कारण ऐसा हुआ है पिताजी कि आज हम तेरे भवन में नहीं हैं। पिता परमेश्वर सचमुच में जिस तरह से भजनकार कहता है कि तेरे आंगनों की अभिलाषा करते करते मेरा मन, हमारा मन मूर्छित हो चुका है, चला है,
हमारा भी मन उदास है, दुखी है, मूर्छित है पिताजी। यदि हमसे कोई भूल चूक हुई है, गलती खता हुई है, तो पिताजी उसको माफ कर दे। अपने घर के दरवाजे पितामेशी अपने लोगों के लिए फिर से खोल दे, और तमाम सुस्ती, लापरवाही और तमाम सांसारिकता को पिताजी हमारे मध्य से निकालकर बाहर कर दे, ताकि आने वाले दिनों में हम तेरे भवन में आने का कोई भी अवसर खोए ना, और पितामेश्वर इस अवसर का फायदा उठा सकें। आज जबकि पितामेश्वर इस तेरे पावन अवसर पर, इस उत्सव में तेरे लोग पितामेश्वर अपने घरों पर तेरी आराधना कर रहे हैं, हर एक घर पर तेरी आशीष चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य दे पिताजी, ताकि घर पर बैठकर पितामेश्वर तुझे याद कर सकें, धन्यवाद दे सकें तुझे, और पितामेश्वर अपना समय तेरी आराधना में बिता सकें, तेरे वचन का अध्ययन कर सकें, तेरे वचन को सुन सकें। पितामेश्वर हम तेरे प्रार्थना करते हैं पूरे संसार के लिए, जहां कहीं भी पितामेश्वर लोग आराधना के लिए जुड़े हैं, चाहे वो तेरे भवन में चाहे घर पर हैं, तेरी उपस्थिति हर जगह हो, लोगों के जीवन को आनंद और खुशी से भर दे पिताजी, और बहुत जल्द पितामेश्वर इस लॉकडाउन पीरियड को खत्म कर दे, ताकि फिर से हम तेरे भवन में आ सकें। आज का दिन पितामेश्वर मसीह कौम के लिए, तमाम गैर मसीहियों के लिए भी पितामेश्वर आशीष का दिन बन सके, और लोग पितामेश्वर पुनरुत्थान के दिवस के महत्व को समझकर अन्य जाति के लोगों को पितामेश्वर के महत्व के बारे में समझाने वाले हो सकें, और पितामेश्वर हमारे जीवन में हम पितामेश्वर तेरी अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले हो सकें। पिताजी हमारी आराधना को ग्रहण कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, गाओ गाओ जय गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, हालेलुया, खुशी से या सबको सुनाओ, यीशु राजा जिंदा हुआ, से या सबको सुनाओ। कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वह, कब्र पर था एक बड़ा पत्थर, देखो कैसा हट गया वह, राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को, रोमी राज की मोहर बंद न रख सकी कभी भी ईश्वर के पुत्र को, रो मत रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो यह बात, रो मत विलाप करो मत, गलील में जाकर कहो यह बात, कि वह वचन अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ सुसमाचार, कि वह वचन अनुसार कब्र से निकला, जाकर सुनाओ सुसमाचार। हन्ना कैफा पुरनियों की सभा, खतरे से हुए परेशान, हन्ना कैफा पुरनियों की सभा, खतरे से हुए परेशान, अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान, अंधकार की सामर्थ खत्म होने पर बहुत घबराया शैतान, बजाकर
गाओ तुम हालेलुया। नरसिंह सितार और तबले बजा कर गाओ तुम हालेलुया। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। गाओ गाओ जय के गीत गाओ, ताली बजा के तुम गाओ। जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से या सबको सुनाओ। यीशु राजा जिंदा हुआ हालेलुया, खुशी से या सबको सुनाओ। हम जानते हैं कि हमारे मसीही जगत के लिए ईस्टर का पर्व बहुत ही महत्व रखता है, और ये वो दिन है जबकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे विजय प्राप्त की, शैतान का कुल्लम कुल्ला तमाशा बनाया। और हम सब के जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं, हम सब के जीवन से मृत्यु के भय को सदा के लिए खत्म कर दिया। प्रियो, कभी कभी हमारा मन बड़ा उदास होता है, बड़ा हम दुखी होते हैं कि आज के दिन हम सब मसीही लोगों को परमेश्वर के भवन में होना चाहिए था। लेकिन हम सब जानते हैं कि पूरे विश्व के और हमारे देश के हालात क्या बने हुए हैं। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को प्रभावित किया हुआ है, और हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है, हमारा शहर भी इससे अछूता नहीं है। और ये कारण बन गया है कि हम परमेश्वर के भवन में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन हमारी पीड़ा हम जानते हैं, और हम जो इस संदेश को सुन रहे हैं, हम सब की पीड़ा है कि क्यों हम परमेश्वर के भवन में नहीं जा पाए आज के मुबारक दिन के लिए। मैं जब भजन संहिता 55 और उसका 14वां पद पढ़ता हूँ, जहाँ पर दाऊद कहते हैं कि हम दोनों आपस में कैसी मीठी मीठी बातें किया करते थे जब हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। ये दाऊद की एक पीड़ा थी, शायद वो नहीं जा पा रहा था। वो पीड़ा आज हम सब के लिए है कि हमारा इतना महान पर्व है, आज हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे विजय प्राप्त की है, लेकिन हम उसके घर नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत इंतजाम किया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, हम उसके वचन को सुन सकते हैं। प्रियो, यदि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा हुआ है कि शब्द के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन पौपटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने गई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ क्योंकि प्रभु का एक दूत उतरा और पास आकर उसने पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसका रूप बिजली का सा था और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। उसके भय से पैरवे कांप उठे और मृतक के समान हो गए। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, परंतु वह यहां नहीं है, वह अपने वचन के अनुसार जी उठा है, वो अपने वचन के अनुसार जी उठा है। और मेरे मित्रों, यदि हम बुक ऑफ एक्ट्स में प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं और उसका 12वां अध्याय उसके 4थे पद को यदि हम देखते हैं, तो वहां लिखा हुआ है, उसने उसे पकड़ के बंदीगृह में, यानी पतरस को पकड़कर हेरोदेस ने बंदीगृह में डाला और चार चार सिपाहियों के चार पैरों में रखा, इस विचार से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। लेकिन जब मैं इसका किंग जेम्स वर्जन पढ़ रहा था, तो उसमें इस पद को इस तरह से लिखा हुआ है, एंड व्हेन ही मींस हेरोद हैड अप्रिहेंडेड हिम पीटर ही पुट हिम इन प्रिजन एंड डिलीवर्ड हिम टू फोर क्वार्टर्नियंस ऑफ सोल्जर्स टू कीप हिम इंटेंडिंग आफ्टर ईस्टर टू ब्रिंग हिम फोर्थ टू द पीपल। जी हां, बाइबल में केवल एक ही जगह पर ईस्टर का जिक्र है और वो इस पद में पाया जाता है। और ये
किंग जेम्स वर्जन में जो हिंदी में फसह का शब्द है उसको हटाकर यहां पर ईस्टर के शब्द को लिखा गया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब आज ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इन्हीं दिनों में यहूदी फसह के पर्व को मनाते हैं, जिसको पासओवर हम कहते हैं। और ये उस बात की याद में वो मनाते हैं कि जब वो मिस्र देश से निकले थे और मिस्र देश में जब अंतिम विपत्ति उनके ऊपर आने वाली थी तो कहा गया था कि एक मेमना जबा करो, एक मेमने को बलि करो और उसके लहू को लेकर अपने घर की चौखटों पर लगाओ। और जब मौत का फरिश्ता जब इस देश से गुजरेगा तो जहां जहां पर ये छाप लगी होगी, लहू की छाप लगी होगी, उस घर का पैलौटे नहीं मारे जाएंगे और पूरे मिस्री लोगों के घरों के पैलौटों को वो फरिश्ता मारेगा। प्रति साल यहूदी कौम भी इस पर्व को मनाती है और ये निशान महीने की 15 तारीख से शुरू होता है। यदि आजकल के हम देखें काल में तो फसह का पर्व जो है यहूदी मना रहे हैं ये 8 तारीख से शुरू होकर इसका समापन जो है वो 16 तारीख को होगा, अर्थात इस बीच में 7 दिन तक 8 दिन तक ये पर्व वहां पर मनाया जा रहा है। और ये एक दासता से, मिस्र की दासता से छुटकारे का प्रतीक है। लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह के जब पुनरुत्थान के दिवस को मनाते हैं मेरे मित्रों, तो ये भी छुटकारे का प्रतीक है, लेकिन ये किसी मनुष्य की दासता से छुटकारे का प्रतीक नहीं है, ये पाप की दासता से मुक्ति का प्रतीक है, ये पाप की दासता से छुटकारे का प्रतीक है और हम इसको आज मना रहे हैं। प्रियो, नाइसिया की जो क्रिश्चियन काउंसिल थी उसने 325 एडी में इसको निर्धारित किया कि जब भी 21 मार्च के बाद जो भी फुल मून होगा, पूर्णमासी होगी, उसके बाद जो भी पहला रविवार होगा, जो भी पहला संडे होगा, उसको उस संडे को ईस्टर संडे माना जाएगा और ईस्टर संडे मनाया जाएगा। प्रियो, और ये दिन जो है ये कभी भी 22 मार्च से और 25 अप्रैल के बीच में कभी भी ये पर्व पड़ सकता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज हम 12 तारीख 12 अप्रैल को इस पर्व को मना रहे हैं। जी हाँ प्रियो, ये पर्व मृत्यु पर विजय का पर्व है, ये मृत्यु के डर से आज़ाद होने का पर्व है, ये पाप से छुटकारे का पर्व है और ये इस बात का पर्व है कि हम अनंत काल की मृत्यु से बच गए हैं, हम अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने एक बड़ा दाम क्रूस पर चुका दिया और मुझे और आपको अनंत जीवन का वारिस बनाया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहते हैं पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जी हाँ, पुनरुत्थान और जीवन केवल प्रभु यीशु मसीह है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 24वें पद में पतरस एक बड़ी भीड़ को इस बात के लिए समझाते हुए लिखते हैं और वो कहते हैं कि परंतु उसी को, यानी प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनोना था कि वह उसके वश में रहता। जी हां, मृत्यु प्रभु यीशु मसीह को बंधन में रोक नहीं सकती थी, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने फरमाया था, यदि यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 2 अध्याय और 19वें पद में हम देखें तो यीशु ने यहूदियों को उत्तर दिया कि तुम इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3rd दिन खड़ा कर दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह मेरे मित्रों इस समय अपने जीवन के बारे में कह रहे थे, अपने लिए कह रहे थे कि इस मंदिर को ढा दो और 3rd दिन मैं इसे खड़ा कर दूंगा। और वास्तव में 3rd दिन हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जीवित हो उठा। और ये मेरे और आपके लिए एक धन्य पर्व है, जबकि मैं और आप, हमारा विश्वास बढ़ता है कि सचमुच में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से होकर आया था और वो परमेश्वर का पुत्र था। परमेश्वर के वचन से यदि हम देखें रोमियो की पत्री, उसका 1 अध्याय और 3rd और 4th पद में लिखा हुआ है, उसने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा भी की कि वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ और पवित्रता के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। जी हाँ,
मृतकों में से जीवित हो उठने के बाद बड़े सामर्थ के साथ वो परमेश्वर का पुत्र ठहरा। अभी मत्ती रचित सुसमाचार का के जो हमने पद पढ़े थे उसमें लिखा है कि वो यहाँ नहीं है, वो जी उठा है। He is risen, वो जी उठा है। मेरे मित्रों, किस लिए जी उठा है? थोड़ी देर के लिए यदि हम परमेश्वर के वचनों पर देखें, वो किस लिए जी उठा? वो इसलिए जी उठा कि हमको बचा सके, मनुष्य जाति को बचा सके। हो सकता है कि हम में से शायद बहुत से लोग ये कह रहे होंगे कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम बच गए हैं, लेकिन मेरे मित्रों, साहब के परमेश्वर का वचन बताता है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम प्रयास करके भी अपने भले कामों के द्वारा हम अपना उद्धार नहीं करा सकते हैं। हम अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हम अपने आप को स्वयं अपने कामों के द्वारा नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि हमारे वचन बताता है कि हमारे कितने भी धर्म के काम हो लेकिन वो गंदी धज्जियों के समान ठहरते हैं। हम अपने कामों के द्वारा परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यदि हमें कोई बचा सकता है तो वो केवल प्रभु यीशु मसीह है, जो हमारा अनुग्रहकारी परमेश्वर है और अपना अनुग्रह हम पर बना के रखता है। आज भी मेरे मित्रों, हम सब जानते हैं अपने जीवन के बारे में। मैं अपने बारे में जानता हूं, आप सब अपने बारे में जानते हैं। हम इस बात को सोच सकते हैं कि क्या सचमुच में हम परमेश्वर के राज्य के योग्य बन पाए हैं। मेरे मित्रों, आज ये ईस्टर का पर्व फिर से मुझे याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको अनंत काल की मृत्यु से बचाना चाहता है, मेरे और आपका उद्धार करना चाहता है, मुझे और आपको अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है। और इसीलिए उसने एक बहुत भारी कीमत दी। उस कीमत को चुकाने के बाद वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, ताकि जो लोग उस पर विश्वास रखते हैं उन्हें इस बात का भरोसा हो कि जो वो स्वयं जी उठा है तो हमें भी वो एक दिन जी उठाएगा। हमारे विश्वास को दृढ़ करने के लिए मेरे मित्रों, परमेश्वर अपनी दया और अपना अनुग्रह हम पर बना के रखता है। आज भी हम में से बहुत से लोगों को इस बात की जरूरत है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दें। इब्रानियों की पत्री में यदि हम देखें और उसका 6 अध्याय और उसे कुछ पद यदि हम देखें तो यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्ग के वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वो भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर से नया बनाना अनोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। मेरे मित्रों, हम अपने पापों के द्वारा अपने परमेश्वर को फिर दुखित करते हैं, और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह जिंदा है, इसलिए जिंदा है ताकि हमें वो बचा सके। जी हाँ, यूहन्ना के सुसमाचार का 14 अध्याय और उसका 6 पद कहता है, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूं और मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे मित्रों, यदि मैं और आप सचमुच पिता के पास पहुंचना चाहते हैं, यदि मैं और आप अनंत जीवन चाहते हैं, तो आज इस पावन पर्व में, ईस्टर के पर्व में अपने आप को अपने प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पित कर दें। आज भी मुझे और आपके, मेरे और आपके लिए वो चिंतित है। मुझे एक दंत कथा प्रियो याद आती है। ये केवल दंत कथा है समझाने के लिए, समझने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह मरने के बाद अपने पिता के दाहिनी ओर बैठ गए, पतरस, याकूब और यूहन्ना भी उनके पास पहुंचे और उन्होंने देखा कि अभी भी प्रभु यीशु मसीह के जहां ताज रखा गया था वहां से खून की बूंद टपक रही हैं। उन्होंने उनके हाथों की तरफ दृष्टि की, देखा हाथों से भी खून बह रहा है। पतरस, याकूब और यूहन्ना को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु जी, आपने मनुष्य के उद्धार का काम तो पूरा कर दिया, अब क्यों पीड़ा, अब क्यों ये दुख, अब क्यों ये खून लगातार आपके बदन से निकल रहा है? और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस, याकूब, यूहन्ना, तुम ठीक कहते हो, लेकिन अभी भी मेरे ही मानने वाले, मेरे ही अपने लोग, मेरी प्रजा के लोग अभी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे खून की कीमत को नहीं पहचाना, अभी तक उन्होंने मेरा आदर और सम्मान नहीं किया, अभी भी वो उद्धार से वंचित हैं, और यही कारण है कि आज भी मेरे बदन से, मेरे सर से, मेरे हाथों से खून की धारा बह रही है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके पास इन्विटेशन है कि हम अपने प्रभु को निराश ना करें, उसकी कुर्बानी को व्यर्थ ना जाने दें। आज के इस पावन दिन में मेरे मित्रों, हम उसके पास आएं
क्योंकि वो जीवित है, मुझे बचाना चाहता है, वो मेरे और आपके लिए जीवित हो उठा है ताकि मैं और आप जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। पत्रस बड़े साफ शब्दों में प्रेरितों के काम में कहते हैं चौथे अध्याय के बारहवें पद में, और किसी के द्वारा उद्धार संभव नहीं है। हम अपने कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते, इसलिए जरूरी है मेरे मित्रों कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दें। वो जीवित हो उठा है मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके जीवन को बचाने के लिए। दूसरी चीज जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण मैं देख पा रहा हूं, वो जीवित है किस लिए? ताकि मुझे और आपको एक नई उम्मीद दे सके, एक आशा दे सके। क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा मनुष्य जाति आज नाउम्मीदी की दौर से गुजर रही है। आज हम में सब में निराशा है। यदि आज हम आर्थिक स्थिति अपने देश की देखें, हमारे विश्व की देखें, बहुत खराब है। वातावरण दूषित है, हर तरफ पाप है, हर तरफ अंधकार का साम्राज्य है, शैतान हावी है, अनैतिकता हावी है। और मेरे मित्रों आज के हालात में यदि हम देखें तो ये जो COVID-19 है, इसका प्रकोप आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने इससे प्रभावित होकर आत्महत्या का प्रयास किया है। बहुत से लोगों ने आत्महत्या की भी है क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी और वो सोच रहे थे कि अब सारी उम्मीद खत्म हो गई है क्योंकि अब उनकी मृत्यु स्वाभाविक है। मेरे मित्रों ये निराशा, ये नाउम्मीदी से, ये हेल्पलेसनेस से यदि कोई भी हमको दूर कर सकता है, उम्मीद की किरण जगा सकता है, तो वो है केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि वो जीवित है मेरे और आपके लिए, जीवित है ताकि मेरे और आपके अंदर जीवन की एक नई किरण, एक उम्मीद की नई किरण को जागृत कर सके। उसके वचनों को याद करें, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 14:18 पद में वो कहता है, आई विल नॉट लीव यू एज ऑर्फन, आई विल कम टू यू, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मेरे मित्रों आज जरूरत है कि हम उसके आने की प्रतिज्ञा की बाट जो है, पूरा मसीह समाज की आज जरूरत है कि आज ईस्टर के पावन पर्व पर हम इस बात को सोचें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। संसार में जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, आज बड़ा डिप्रेशन का वातावरण पूरे संसार में हो गया है, निराशा का वातावरण हो गया है, नाउम्मीदी का वातावरण हो गया है। अगर कोई उम्मीद की किरण बाकी बची है तो केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह है। वो जीवित है, वो जीवित हो उठा है ताकि मेरे और आपके जीवन को निराश होने से बचा ले, मुझे और आपको डिप्रेशन से बचा ले, और मैं और आप अपना फोकस केवल और केवल अपने प्रभु यीशु मसीह पे रखें, उसके दूसरे आगमन पर रखें। क्योंकि मुझे और आपको वो जीवन देना चाहता है, ये जीवन नहीं जो संसार का है, जो 70, 80 या 90 वर्ष के बाद खत्म होने वाला है, इसके बाद का जीवन। और हम पौलुस बताता है दूसरे कुरिन्थियों के 5 अध्याय में कि जब हमारा ये डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हमें स्वर्ग में एक ऐसा भवन मिलेगा जो चिरस्थाई है, हाथों का बनाया हुआ नहीं है। मेरे मित्रों उसके लिए हमें चिंतित होने की जरूरत है, हमें संसार से नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि जो उस पर विश्वास रखते हैं वो मर भी जाएं तो भी अनंत जीवन पाएंगे, वो भी जीवित रहेंगे। मेरे मित्रों तीतुस की पत्री में यदि हम देखें 2:11-13 पद में पौलुस तीतुस को समझाते हुए लिखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और भक्ति से जीवन बिताएं। आज की जरूरत मेरे मित्रों मेरे आपकी यह है, यदि कहीं भी नाउम्मीदी है तो परमेश्वर चाहता है कि हम, और हमें चेतावनी भी देता है, उसकी अपेक्षा भी हमसे यह है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में भक्ति के समान जीवन व्यतीत करें। और आगे वो कहता है, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें। हम अपने प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहें, नाउम्मीद देने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा है ताकि मेरी नाउम्मीदी को उम्मीद में बदल दे, मेरी निराशा को आशा में बदल दे, और मैं और आप प्रभु मसीह समाज से अपेक्षा करता है कि हम उसके दूसरे आगमन की तैयारी में लग जाएं। आज हर्ष और आनंद का समय है, आज हमारा प्रभु यीशु मसीह आज मृतकों में से जीवित हो उठा है ताकि मैं और आप उस पर विश्वास रख के नाउम्मीद ना हो, बल्कि हमारी फोकस उस पर लगा रहे, उसके उद्धार पर लगा रहे। जी हाँ मेरे मित्रों, यदि हम याकूब की पत्री में
पढ़ते हैं, कुछ उसके पद यदि हम पढ़ें, बहुत सुंदर पद हैं, और सात से और सात और आठ पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, पांचवें अध्याय का, जहां पर लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। और आठवें पद में वो लिखते हैं, तुम भी धीरज धरो और अपने अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। जी हाँ, याकूब हमसे अपेक्षा करता है, हमारा आह्वान करता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक धीरज धरें। उसका आगमन शीघ्र होने वाला है और वो आने वाला आएगा और देर ना करेगा। मेरे मित्रों, यदि किसी के जीवन में नाउम्मीदी है तो आज इस पावन पर्व में हम इस बात को देखें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित हो उठा है। वो जीवित है, वो हमारे साथ है, हमारी निराशा को आशा में बदलने के लिए, नई उम्मीद हमारे अंदर जागृत करने के लिए। एक और चीज महत्वपूर्ण जो इसमें देखते हैं मेरे मित्रों, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है इसलिए कि वो स्वर्ग के मार्ग में जाने में हमारी अगुवाई करें, अनंत जीवन का वारिस होने में हमारी अगुवाई करें। शायद हम में से बहुत से लोग कहेंगे, हम बैप्टाइज्ड हैं, हमने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है। बहुत से कहेंगे हम बचाए हुए लोग हैं, हम उसके लहू से धोए गए लोग हैं, वी आर बॉर्न अगेन क्रिश्चियंस, हम कह सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इस बात को भी हमको सोचना होगा और गंभीरता से हमको सोचना होगा कि हम जिस संसार में रह रहे हैं, जिस संसार में हम रह रहे हैं मेरे मित्रों, उसका हाकिम तो शैतान है। हम अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। अभी हम उस लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में हम जहां रह रहे हैं, इसका हाकिम शैतान है। और शैतान हर तरीके से पुरजोर कोशिश करता है कि हमें सही मार्ग से भटका कर हमें अपने मार्ग पर ले चले, हमें सकरे मार्ग से हटाकर हमें चौड़े मार्ग पर ले चले। और बहुत से लोग हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, जो उसके बहकावे में आकर जिनके मन पर सांसारिकता अभी भी हावी है। बहुत से मसीही लोग हैं मेरे मित्रों, जब मैं आजकल के काल में वेस्टर्न कंट्रीज को देखता हूं, वहां की स्थिति को देखता हूं, आपने देखा होगा कि जितने लोग आज वायरस, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, कोविड-19 वायरस से पीड़ित हैं, उसमें से मेरे मित्रों अधिकतर वो देश हैं जिनके बारे में जाना जाता है कि वो मसीही लोगों के देश हैं, वो क्रिश्चियन कंट्री हैं, उनके बारे में ये जाना जाता है। सब लोग मानते हैं कि वहां मसीह, और रहने के बहुत से मसीह बड़ी संख्या में वहां लोग रहते हैं। क्यों ये विपत्ति उन पर आई है? वो भी तो बैप्टाइज्ड हैं। तमाम कैनेडियंस जितने हैं, ज्यादातर अमेरिकन्स, यूरोपियन कंट्रीज के लोग, ऑस्ट्रेलियंस, तमाम न्यूजीलैंड के लोग, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने शायद बपतिस्मा लिया हुआ है, मसीह लोग कहलाते हैं। लेकिन क्या ये बचाए गए लोग हैं? क्या इन्होंने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अर्पित किया है? ये बड़ा प्रश्न होता है। हम किसी को जज करने वाले नहीं हैं। अपने जीवन के बारे में हम सोच सकते हैं, क्या हम अपने आप को परमेश्वर के राज्य के योग्य बना पाए हैं? क्या उसके उसकी मृत्यु से हमारा कुछ उद्धार हुआ है? क्या उसके जीवित होने से हमारा कुछ लाभ हुआ है? हम कहते तो हैं कि हम जीवित परमेश्वर के मानने वाले हैं। मेरे मित्रों, हर व्यक्ति अपने बारे में जानता है हम कैसे भी हैं। हो सकता है बहुत हम धर्मी हों, लेकिन हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस संसार में रह रहे हैं वहां का हाकिम शैतान है। और शैतान हर तरीके से कोशिश करता है कि हमें अंधकार में से ज्योति में से अंधकार में वापस ले जाए, क्योंकि हम ज्योति की संतान बन चुके हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अलग किए गए हैं। यदि परमेश्वर के वचन में आप देखें, पहला पत्रस का पांचवा अध्याय और आठवें पद में पत्रस सावधान करते हैं हमको। क्या कहते हैं? सचेत और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह दहाड़ता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। जी हां, शैतान हमें परमेश्वर के राज्य में जाने देना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम उसकी मार्ग से, उसके उसके राज्य से हटकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें, और इसलिए वो भरकस प्रयत्न में है कि बहुत से मसीह लोगों को भरमा दे।
बहुत से लोग उसने भरमा भी दिया है, बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर आज सांसारिक तहावी है, आज वो आराधनाओं से दूर रहते हैं, आज वो परमेश्वर के वचनों के पढ़ने से दूर रहते हैं, आज वो प्रार्थनाओं से दूर रहते हैं। मेरे मित्रों, जबकि हमें परमेश्वर की निकटता में रहना चाहिए, जबकि हम तमाम चिन्हों को पूरे होते हुए देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन बताता है, यदि हम इब्रानियों के पत्री 10:25 में देखते हैं तो लिखा हुआ है कि और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना मत छोड़ो जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और अधिक किया करो, त्यों त्यों और अधिक संगति किया करो, त्यों त्यों और अधिक आपस में संगति किया करो, त्यों त्यों और परमेश्वर के साथ संगति किया करो। मेरे मित्रों, आज प्रभु यीशु मसीह यदि जीवित हैं तो इस बात पे कि जीवित हैं कि वो मेरी और आपकी अगुवाई करना चाहते हैं ताकि मैं और आप भी उसके साथ स्वर्ग में प्रवेश करें, उसके राज्य के अधिकारी बन जाएं। पहला यूहन्ना उसका 3:2 में यूहन्ना लिखते हैं, हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं। बहुत ध्यान से ये सुनने वाली बातें हैं। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे, पर इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि वैसा उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जी हां, वो हमें वैसा ही बनाना चाहता है जैसा वो है। उसके लिए जरूरी है कि हम उसकी संगति करें, अपना जीवन उसको समर्पित कर दें, क्योंकि वो हमें शैतान के बंधनों से आजाद करके, पाप के बंधनों से आजाद करके हमें वो अपने राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। जी हां, यूहन्ना चीसु समाचार का 3:13 में बताती है कि स्वर्ग का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई स्वर्ग में नहीं चढ़ा सिवाय उसके जो स्वर्ग से उतरा है। और यदि मैं और आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, यदि मैं और आप स्वर्ग का रास्ता जानना चाहते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है ताकि मेरी और आपकी स्वर्ग के राज्य में जाने में वो अगुवाई कर सके, बशर्ते कि हम उसको इजाजत दें, हम उसको परमिशन दे कि प्रभु जी, मैं अपना जीवन तुझे अर्पित करता हूं, मैं तुझे समर्पित होता हूं, मेरे जीवन को स्वीकार कर ले और मुझे उस राह पर ले चल जिस पर तू मुझे चाहता है, ताकि मैं तेरे स्वर्ग का राज्य अधिकारी बन जाऊं। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है इब्रानियों की पत्री उसका 9:28 में साफ लिखा हुआ है कि वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो उसकी बाट जोते हैं। मेरे मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, जो उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए फिर दूसरी बार बिना पाप के वो दिखाई देगा। जी हां, दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा ताकि वो हमारी अगुवाई कर सके कि हम उसके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन जाएं। प्रियो, आज ईस्टर का पर्व है। एक बार फिर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। ये पर्व हमारे लिए आनंद और खुशी का पर्व बने। ये पर्व हमें हमारे लिए सांसारिकता को छोड़कर परमेश्वर की निकटता में बढ़ने का पर्व बने, समर्पण का पर्व बने, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देने का पर्व बने, क्योंकि वो जीवित है। वो जीवित है मेरे मित्रों इसलिए कि वो हमें बचाना चाहता है। वो जीवित इसलिए कि हमारी नाउमीदी को उम्मीदी में बदलना चाहता है, हमारी निराशा को आशा में बदलना चाहता है। वो जीवित हो उठा है इसलिए कि हमारी स्वर्ग के मार्ग में जाने में हमारी अगुवाई करे और शैतान के बंधनों से हमको आजाद कर दे। और इसके लिए जरूरी है मेरे मित्रों कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मैं एक और अंतिम पद आपके सामने चुनौती के रूप में पढ़ना चाहूंगा कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है। मेरे मित्रों, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 5:23 कहता है, यदि सचमुच में हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, यदि हम इस जीवन के बाद जब दूसरा जीवन शुरू होगा उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, यदि अपना एक परमानेंट घर यदि परमेश्वर के राज्य में चाहते हैं, तो मेरे मित्रों जरूरी है कि इस पद पर हम ध्यान दें। और यहां इस तरह से लिखा हुआ है, 5:23 में, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष
सुरक्षित रहें। परमेश्वर चाहता है कि हमारी आत्मा, हमारी देह और हमारे प्राण तीनों प्रभु यीशु मसीह के आने तक निर्दोष और सुरक्षित रहें। आइए आज हम इस बात का प्रण करें कि इस पावन अवसर पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन पर हम इस बात का प्रण करें कि हम अपनी आत्मा, हमारी देह, हमारा प्राण, हम तीनों को निर्दोष और सुरक्षित रखेंगे, ताकि जब हमारा प्रभु हमें लेने आए तो हम उसके साथ उसके सर्व स्थानों में प्रवेश करने वाले हो सके। एक बार फिर से ईस्टर आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जीवित और महान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से तेरे चरणों में आते हैं और पिता परमेश्वर अपने जीवनों को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर तेरे इन सुंदर वचनों के लिए जो तूने पिता परमेश्वर हमारे लिए इसलिए दिए कि हम तेरे वचनों पर चलकर तेरे नियमों का पालन करके तेरी आज्ञाओं का पालन करके तेरी ओर से प्रभु आशीषित हो सकें। पिता परमेश्वर तो हमारी मदद कर कि हम तेरे वचनों पर चल सकें और पिता परमेश्वर जो नियम तूने हमारे लिए ठहराए हैं उनका पालन कर सकें, ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ी प्रभु तेरी ओर से आशीषित हो सके। पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनकी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके परिवारों पर तेरी आशीष हो, उनके परिवार की जो आमदनी है उस पर तेरी आशीष हो, ताकि पिता परमेश्वर परिवार तेरी ओर से पिता परमेश्वर आशीष को प्राप्त करें और तेरे प्रति धन्यवादी बने रहें। उनके बच्चों को प्रभु आशीष दे, ताकि पिता परमेश्वर संपूर्ण परिवार तुझमें आशीषित हो सके और अपने जीवन से तेरे नाम की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर इस समय हम उन लोगों को भी स्मरण करते हैं जिन लोगों के जन्मदिन इस सप्ताह में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिस तरह से अब तक तूने उन्हें संभाला है आगे भी तू उनकी रहनुमाई कर और पिता परमेश्वर उनके जीवन में जिन बातों की कमियां हैं उनको पूरा कर, ताकि पिता परमेश्वर वो
अपने जीवनों को पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकें और पिता परमेश्वर उनके जीवन को पिता परमेश्वर ऐसा बना कि वो अपने जीवन से पिता परमेश्वर दूसरों के लिए भी आशीष का बाइस बन सकें। पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं अपने उन बुजुर्गों के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तूने हमारी कलीसिया में हमारे परिवारों में दिए हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों पर तेरी आशीष का हाथ बना रहे, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर ताकि पिता परमेश्वर हमारे बुजुर्गों का साया कलीसिया पर परिवारों पर लंबे अरसे तक कायम रह सके और पिता परमेश्वर हम उनके आदर्शों पर चलकर अपने जीवनों को तेरे योग्य बना सकें। प्रभु जी हम स्मरण करते हैं उन लोगों के लिए भी जो इस समय बीमारी की हालत में हैं। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रेणु गंभीर के लिए, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर मिसेस रोजलिन राज के लिए, प्रार्थना करते हैं मिसेस रूथ जॉन के लिए, प्रार्थना करते हैं मिस्टर चरण के लिए, बेबी अमारिया के लिए और परी के लिए, प्रार्थना करते हैं मिस्टर गिरीश मनी के लिए और इसी तरह से हम प्रार्थना करते हैं मिस्टर आर्यू सिंह के लिए। पिता परमेश्वर इन सबके जीवनों पर हम तेरा अनुग्रह चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं इनकी बीमारियों को दुर्बलताओं को यीशु मसीह के नाम से दूर कर प्रभु, ताकि ये तेरे भवन तक पहुंच सकें। इनके अलावा भी बहुत लोग हैं जो बीमारी की हालत में हैं, जिन्होंने प्रभु हमें प्रार्थना निवेदन भेजे हैं, हम उन सबको भी तेरे चरणों में लाते हैं और यही प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सबको भी अपना अनुग्रह दे और पिता परमेश्वर यीशु के नाम में उन सबको चंगाई दे। पिता परमेश्वर हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो बीमारी प्रभु पूरे संसार में फैली हुई है, इस बीमारी को पिता परमेश्वर तू दूर कर और अपने लोगों को प्रभु विशेष तौर से पिता परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे कि वो पिता परमेश्वर इस बात को समझ सकें कि उनको अपना जीवन तेरे हाथों में सौंपना कितना जरूरी है, वो अपने घुटनों पर आ सकें और पिता परमेश्वर दीन और नम्र होकर तुझसे प्रार्थना कर सकें, ताकि पिता परमेश्वर तेरा वो वचन तेरी कौम के अंदर पूरा हो सके जो तूने कहा है कि मेरी प्रजा के लोग दीन और नम्र होकर अगर मेरी ओर फिरते हैं तो मैं उनके देश को और उनके जीवन को ज्यों का त्यों कर दूंगा। प्रभु ये वचन तेरी कौम के बीच में पूरा हो सके। उसके अलावा भी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पिता परमेश्वर नास्तिक विचारधारा के हैं, जो अविश्वास में पाए जाते हैं, पिता परमेश्वर उनके जीवनों में भी तेरा आत्मा काम कर सके ताकि पिता परमेश्वर वो भी अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप सके और ये संपूर्ण संसार प्रभु जी तेरे चरणों में आने वाला हो सके, ताकि पिता परमेश्वर एक बार फिर से इस संसार में आनंद लौट सके, शांति लौट सके और लोगों को प्रभु जो इस समय परेशानी की हालत में हैं उनको तसल्ली मिल सके। और पिता परमेश्वर इस ईस्टर के मौके पर प्रभु जी तो अपने लोगों को विशेष तौर से आशीष दे, ताकि पिता परमेश्वर लोग जो इस समय परेशान हैं खास तौर से इस बात से कि वो इस पर्व को तेरे भवन में नहीं मना पा रहे हैं, प्रभु जी उनको विशेष तसल्ली दे ताकि तेरी शांति पिता परमेश्वर उनके जीवनों में पिता परमेश्वर तसल्ली दे, ताकि पिता परमेश्वर वो इस बात को समझ सकें ये वक्त की नजाकत है पिता परमेश्वर कि वो तेरे भवन तक नहीं पहुंच पाए। इस प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम बड़े विश्वास के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसे बड़ी दया से सुन लें और ग्रहण करें, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो, हमारे रोज की रोटी तो आज हमें बख्श दे और जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं उसी तरह से तू भी हमारे अपराध क्षमा कर, हमें आजमाइश में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा के लिए तेरे ही हैं।
आमीन। और हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सभी के साथ और जितने भी इस दुनिया में मसीह विश्वासी हैं उन सब के साथ आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। जान जलाता बादशाह आवे सिर तक ऊँचे।